बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी के सिख समुदाय द्वारा आज साहिबजादे शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरकार ने अधिकृत रूप से आज के दिन को शहीदी दिवस घोषित किए जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीपरी बाजार में आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान में न केवल सिख समुदाय बल्कि आम जनता ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड कानपुर के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुधीर सिंह तथा पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री संजीव रिंगश्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात हो या भारत की रक्षा की, हमेशा सिख समुदाय ने अपने प्राणों का बलिदान आगे आकर दिया है। साहिबजादे शहीदी दिवस उन वीर बच्चों की गाथा है जिन्होंने 5 व 8 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी दास्ता को स्वीकार करने के बजाय अपने प्राणों की आहुति देना देश के लिए बेहतर समझा। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे अपने स्तर पर भी यह प्रयास करेंगे कि सरकार आज के दिवस को शहीदी दिवस के रूप में घोषित करे। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। आज जो यहाँ पर जो हस्ताक्षर अभियान हो रहा है, किस संबंध ये शहादत का महीना चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों ने एक उन्होंने अपने पूरा सर्वस्व मार दिया इस देश और धर्म के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व जिसने निशावर कर दिया। आज छोटे बच्चों की शहादत का दिवस है। सिख समाज के लोगों के अलावा अन्य समाज के लोग, बहुत अच्छी बात है कि अन्य समाज के लोग, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सब लोग 26 दिसंबर के दिन को शहादत के दिवस घोषित। आज के दिन क्या कहेंगे जो शहीद दिवस के रूप में घोषित करने के लिए मांग उठाई जा रही है? शहादत का इतिहास जब भी आता है तो सबसे पहले इस घटना का जिक्र होना चाहिए। छोटे छोटे बालक 5 साल और 8 साल की उम्र में देश की संस्कृति के लिए, देश की, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को देना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। छोटे छोटे बालक दीवार में चढ़वा दिए गए और उन्होंने मरते मरते भारत माता की जय का प्रण नहीं छूटा। ये सिख समाज वंदनीय है। आज़ादी की लड़ाई हो या संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। आज हम सब लोग चाहते हैं कि इस घटना को बलिदानी दिवस यानी शहीदी दिवस के रूप में इसकी घोषणा हो। ये देश के गौरव बलिदान के रूप में ये बालक याद किए जाएँ, बस इसीलिए आज हम सब लोग हस्ताक्षर से आए।